नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक नए मेडिसिन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे चेहरे पे होने वाले पिंपल्स, मुहासे, ब्लैक हेड्स, घाव बनना, स्पॉट, काले धब्बे आना, इन सब चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये पूरी तरह ठीक नहीं होते, लेकिन ठंडे में काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है अगर आप बढ़िया तरीके से इसका सॉप यूज करें। क्योंकि सिर्फ आप क्रीम यूज करते हैं तो आपको आराम तो मिलता है, लेकिन आप जब जाके फिर नॉर्मल साबुन यूज करते हैं तो फिर आपको वही दिक्कत हो जाता है, नहीं हो पाता है पूरा बढ़िया से, क्योंकि सूट नहीं करता है और आपके चेहरे पे बने रहते हैं। तो आपको ज़रूरी होता है कि साबुन और वो क्रीम दोनों एक साथ यूज करें और काफ़ी बेटर रिजल्ट निकला, और सर्दियों में पूरी तरह आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में तो पूरी तरह ना के बराबर ठीक होते हैं। सर्दियों में आपको पूरी तरह ठीक करना है तो दोनों एक साथ यूज करना पड़ेगा और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है। तो आज हम बात करेंगे वैसे सॉप के बारे में जो आपके पिंपल्स को पूरी तरह ख़त्म कर दे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे एक्नेस्टार सॉप के बारे में, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% पाया जाता है, जो मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, एक बेस्ट सॉप है और काफ़ी बेटर रिजल्ट आता है। आपके कील मुहासों को बहुत अच्छा रखता है, साफ कर देता है पूरी तरह। आप क्रीम यूज करते हैं और साबुन यूज करते हैं तो पूरी तरह आपका चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। सिर्फ एक यूज करेंगे पूरी तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल साबुन लगाएंगे तो आपको दिक्कतें होती रहेंगी। और इसकी मात्र 75 रुपये MRP है, जो कि काफ़ी बेटर है। और आप एक नॉर्मल भी साबुन लेते हैं तो 40 रुपये के आसपास पड़ती है, और आप ये भी यूज करेंगे 75 ग्राम का पैकेट आता है, जो 75 रुपये की MRP की है, और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड के फ़ायदे की बात किया जाए तो यह आपके त्वचा से काफ़ी हद तक पिंपल्स को हटाने में मदद करता है, और बेंजोइल पेरोक्साइड त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह रोम छिद्रों को खोलता है और अतिरिक्त सीबम को जमने से रोकता है। इस तरह से यह चेहरे से मुहासे को सफाया करता है। गर्मी के मौसम में त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं तो होती है, लेकिन ठंडी में कम होती है, इसलिए आप ठंडी में इसको यूज करें तो काफ़ी बेटर होता है। त्वचा मुहासा निकलने के बाद कई बार इनमें काफ़ी दर्द होता है। सिर्फ यही नहीं, मुहासे के कारण चेहरे की सुंदरता भी खराब होती है। मुहासा दूर करने के लिए कई लोग कई तरह के नुस्खे, जिनमें कई बार मुहासे ठीक हो जाते हैं लेकिन कई बार बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड के मुहासों के लिए रामबाण माना जाता है। यह मुहासों को दूर करने में न सिर्फ त्वचा को साफ रखता है, बल्कि स्किन से जुड़ी काफ़ी समस्याओं में फायदेमंद होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड फार्मेसी में क्लिंजर, फेस वॉश, क्रीम के रूप में सॉप, हर के रूप में उपलब्ध है। आप यूज करें तो दोनों में क्रीम भी यही यूज करें, बेंजोइल पेरोक्साइड और सॉप भी यही यूज करें, तब जाके आपको काफ़ी फायदेमंद होता है। यह मुहासों को दूर में काफ़ी प्रभावी होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड न सिर्फ बैक्टीरिया को दूर करता है, बल्कि रोम छिद्रों को भरने वाली मृत त्वचा को भी हटाया जाता है। कई बार औषधीय गुण कर दिया त्वचा की समस्या को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद, सेहत के लिए में हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। एक्नेस्टार के कुछ फायदे की बात किया जाए तो एक्नेस्टार सॉप के, तो मुहासे ठीक करने में ब्लैक हेड्स हटा देता है, स्पॉट आपके चेहरे से हटा देता है, घाव बनने नहीं देता, और पिंपल्स के लिए तो एक रामबाण साबित होता है। आपके चेहरे पर घावदार पिंपल्स है तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है और काफ़ी अच्छा रहता है। कभी कभी एक्नेस्टार से साइड इफेक्ट हो जाता है, जो कि कम देखने को मिलता है। आप गलत जगह यूज कर लेते हैं तभी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, या गलत समय चेहरे पर कोई दूसरा चीज़ हो आप यूज कर लेते तब देखने को मिलता है। अगर एक्नेस्टार के साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो त्वचा का छिलना, त्वचा का रूखापन, त्वचा का सूखापन, त्वचा रूखी हो जाती है, त्वचा का जलन और त्वचा की लालिमा, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मल चीज़ होता है, कोई ज़्यादा बेरती नहीं होता है, आप छोड़ेंगे तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी कम देखने को मिलता है ये सब साइड इफेक्ट। अगर इस प्रकार के किसी भी साइड इफेक्ट का आपको पता चलता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या सॉप को लगाना कम कर सकते हैं, जिससे आप कम या छोड़ सकते हैं और साइड इफेक्ट दिखना तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। एक्नेस्टार साबुन लगाने के समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे आँखों और होठों पर लगाने से बचें, आँख और होठ से काफ़ी बचा करें। इस दवा को मुँह में ना लें। इस दवा को खुले घाव या जलन वाली त्वचा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। साबुन लगाने के बाद अपनी हाथों को अच्छी तरह से धो ले रहे, अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से स्किन पतली हो जाती है। इस दवा को आँख और मुंह नाक से बचा कर ही रखें, कहीं क्योंकि इसमें जाने से आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए से दूर रखें। एक्नेस्टार सॉप लगाने के कुछ नियम के बारे में बात किया जाए तो एक्नेस्टार साबुन का प्रयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक बार जब नहाने के समय या एक बार रात को सोने से पहले करें। आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपके चेहरे से क्रीम वहाँ से काफ़ी अधिक, आप क्रीम और साबुन दोनों एक प्रकार यूज़ करें, दोनों एक्नेस्टार का यूज करें, बेंजोइल पेरोक्साइड साल्ट यूज करें तो आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, आपको पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है इन सब चीज़ों से। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए मेडिसिन को लेकर।